दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आत्मघाती हमले की आज दूसरी बरसी है। वहीं बता दें आपको कि सीआरपीएफ के लथपुरा कैंप स्थित स्मारक पर आतंकी हमले में शहीद होने वाले 40 जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बीते वर्ष महाराष्ट्र के उमेश गोपीनाथ जाधव पुष्पांजलि समारोह के विशिष्ट अतिथि थे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हमले में शहीद होने वाले 40 जवानों के परिवारों से मिलने के लिए उन्होंने 61,000 किलोमीटर लंबी यात्रा की थी। साथ ही उन्होंने सभी शहीद जवानों के घरों, शमशान घाटों और बनाए गए स्मारकों के पास से मिट्टी को इकट्ठा किया और यहां लेकर पहुंचे थे। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।